धूप निकल रही है तो मजा आ रहा है। धूप ये है जी, सुहाग गार्डन गेट नंबर 1 रोड से। तो इस दफा हम जीटी रोड से जा रहे हैं, तो ये आगे टूल प्लाजा पे जो टूल टैक्स है वो 50 रुपीज। वेलकम मरी। रोड पे जा रहा हूँ अभी, यहाँ पे गाड़ी अलाउ नहीं है। लैपटॉप भी काम नहीं कर रहे इन्होंने। लैपटॉप एक सब्सक्राइबर और बढ़ गया। सब्सक्राइबर बढ़ गए, लैपटॉप बढ़ गए। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तला मुगल, वी आर बैक इन अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी मैं उठ चुका हूँ और टाइम 7:10 हो रहे हैं, नाश्ता मैंने कर लिया है। तो अभी हम चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं नाना जी की हवेली से, और आज हमने जाना है मरी। मुझे कॉल आई थी कल उनकी कि हमने मरी जाना है, तो पहले तो मूड नहीं था, बट मैंने फिर बोला चलें काम करना है तो चलते हैं। तो उनसे क्या बातचीत हुई वो भी आपको सब कुछ बताऊंगा। तो अभी हमने अभी निकलना है, वो तो सुहाग गार्डन से पिक करना है और मरी जाना है और आज ही वापस आना है। तो क्या चार्जेस होंगे वो भी आपको बताऊंगा, और बाकी मरी में कहाँ कहाँ जाना है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ओके गाइस, चलते हैं उनको पिक करते हैं और निकलते हैं मरी के लिए। माशाल्लाह सूरज निकल रहा है सुबह सुबह। अच्छा, तो अभी हम गुलबर्ग से यू टर्न लेके सीधा जाएंगे रवात वाली रोड पर, तो वहाँ से फिर हम जाएंगे सुहाग गार्डन। अब ये गुलबर्ग के सीधा रोड जा रहा है, तो हमने सीधा नहीं जाना, हमने रवात को जाना है। ये एग्जिट टू रवात। धूप निकल रही है तो मज़ा आ रहा है, धूप ना निकलती तो मज़ा ना आता। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं, बस अभी पिक करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया, 7:30 पहुँचना था, 7:40 पहुँचूँगा। तो कोई नहीं, इतने तो अब लेट होता है, 5-10 मिनट तो चल जाते हैं। अच्छा, वैसे फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं कहीं पे लेट पहुंच रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने टाइम का बड़ा पाबंद हूँ, मैं टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूँ। बट खैर, कभी कभार होता है, और सुबह सुबह बंदे का उठने का, मेरा तो उठने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने बोला 10-11 बजे जाएंगे खैर आराम से, पर उन्होंने बोला सुबह जाएंगे शाम को वापस आना है, तो इस वजह से जो है ना जल्दी निकलना होगा। मैं बोला सही है, तो बस PWD पहुँचने वाला हूँ, पिक करते हैं और निकलेंगे। ये है जी सुहाग गार्डन गेट नंबर 1। अभी हम इंटर हो गए हैं, हम निकल रहे हैं 8:23 पे। तो अभी हम उस पॉइंट पे पहुंचे हैं, यहाँ से राइट जाएंगे तो एक्सप्रेस वे आएगा, और लेफ्ट जाएंगे तो टूल प्लाजा आएगा जीटी रोड से। तो इस दफा हम जीटी रोड से जा रहे हैं, तो ये आगे टूल प्लाजा पे जो टूल टैक्स है वो 50 रुपीज। यहाँ पे मुझे पुलिस वाले ने रोका था मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने के लिए, तो आगे ये गाड़ी भाग गई थी, उसको ये रोकने के लिए पीछे गए। तो अभी चल के देखते हैं कि उन्होंने इसको रोका है या नहीं, तो ये रोक लिया है। तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बस चेक किया था और कुछ नहीं। तो चलें हम आगे अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं मरी के लिए। वैसे जीटी रोड से ये है कि आप सिंगल वे है, आने का भी एक रास्ता है, जाने का भी एक ही रास्ता है। तो ये है, यहाँ पे ट्रैफिक आज कम थी, बहुत कम थी, तो मतलब हम ही थे और इतनी ट्रैफिक ज़्यादा नहीं थी, तो इधर ये आबादी भी बहुत है। तो अभी हम उस चौक पे आ गए, यहाँ से राइट जाएंगे तो माल रोड, लेफ्ट साइड पर बूर बन पी सी। तो वेलकम मरी, पहुँच गए मरी। तो मरी हम पहुँच गए हैं, तो वो अभी घूमने गए हैं, मैंने बोला मैंने नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है, तो मैं अभी गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। तो उनके साथ प्रैंक हो गया, उन्होंने सोचा था कि बर्फ़ होगी, मैंने उनको रात को बताया भी था कि बर्फ़ यहाँ पे नहीं हो रही, तो इस वजह से जो है ना, तो वो अभी गए हैं, तो वो अभी आते हैं, तो फिर हम देखें कहाँ जाते हैं, पथरहाटा जाना है या क्या करना है। तो सीन ये है, तो तबीयत मेरी कुछ सही नहीं लग रही यार, समझ नहीं आ रही क्या सीन है, इसी वजह से आवाज़ थोड़ी डाउन है, तो माइंड नहीं कीजिएगा। चलिए उनका वेट करते हैं और साथ में हम अपनी वीडियो एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ से अभी मैं उनको जा रहा हूँ पिक करने के लिए, और ये है मूवमेंट पिक होटल। तो यहाँ पे रुका है आपका भाई, तो अभी वो नीचे हैं, वो रहे हैं एंट्री करवा के आप आए चेयर लिफ्ट तक।
मैं माल रोड पे जा रहा हूँ अभी। यहाँ पे गाड़ी अलाउ नहीं है। अलाउ क्यों की गई है वो रीज़न बता नहीं सकता। तो अभी जा रहा हूँ मैं उनको पिक करने के लिए, और वो पैदल आ नहीं सकते थे तो उन्होंने बोला आप गाड़ी लेके आ जाएं। तो ये है जी सारा माल रोड। कैन भाई याद है ओपीटीपी? कैन भाई के साथ हमने ओपीटीपी खाया था। तो ये मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ये कश्मीर पॉइंट है। यहाँ पे ट्रेन जाती है जो आपको जो है रावलपिंडी चेयर लिफ्ट है वहाँ तक लेके जाती है। तो यहाँ से भी हम निकल रहे हैं एक्सप्रेस वे की तरफ, क्योंकि वहाँ से अब वापसी हमने एक्सप्रेस वे से ही जाना है। वो इजी रहते हैं, आप सुकून से गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं और मरी को बाय बाय कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो अभी हम इस्लामाबाद में इंटर कर गए हैं, ये कश्मीर चौक है मेरे राइट साइड पे। तो अभी हमने सीधा जाना है, अभी हम जा रहे हैं यू पार्क। आज मरी रोड बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम मरी रोड को क्रॉस करते हुए सीधे चलेंगे अयूब पार्क। तो अभी हम आ गए हैं जी अयूब नेशनल पार्क। अयूब पार्क गए ही नहीं, जॉयलैंड आ गए। तो चलें अभी जॉयलैंड देखते हैं इधर क्या करते हैं, जॉयलैंड खुला है या नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे पार्किंग फ़ीस जो है 100 रुपीज़ है। आप जब इधर आएंगे तो आप 100 रुपीज़ गाड़ी पार्किंग का देंगे। तो अभी हम आए जॉयलैंड, तो वो बच्चों को लेके गए हैं घुमाने के लिए, और मैं जहाँ पे बैठ के वेट कर रहा हूँ। तो वो आएंगे तो फिर देखें क्या सीन बनता है। तो मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ और टाइम हो रहा है 2:36। तो मरी से वापस आ गए हैं क्योंकि बर्फ़ थी नहीं, इन्होंने बोला कि मज़ा नहीं आया। तो फिर वहाँ से वापस अभी फिर पहले उधर जाने लगे थे अयूब पार्क, फिर बोलते हैं जॉयलैंड चलें, तो फिर जॉयलैंड लेके आ गए। तो जॉयलैंड से हम निकल रहे हैं क्योंकि ये बंद किया हुआ, अभी फ़िलहाल ओपन नहीं किया इन्होंने। तो अभी इन्होंने बोला कि चलें जी लेक व्यू पार्क जाना है, तो अभी हम लेक व्यू पार्क जा रहे हैं। बाय बाय जॉयलैंड, तो मिलते हैं बाद में। तो ये है जी लेक व्यू पार्क, यहाँ हम आ गए हैं और देखते हैं कि इधर सारी चीज़ें खुली हैं या बंद हैं। वो बाद में पता चलेगा। ये है जी लेक व्यू पार्क। शाम हो गई है, वो अभी तक नहीं आए, 5:33 हो गए हैं। अच्छा, तो अभी उनकी कॉल आई है, वो आ रहे हैं बाहर, तो चलें उनको पिक करते हैं और निकलते हैं सुहा गार्डन। उनको ड्रॉप कर दिया, अभी मैं निकल रहा हूँ। तो अभी चल के पेट्रोल डलवाते हैं, देखते हैं कितने का डलता है। अच्छा, तो सीन कुछ ऐसे हैं, मुझे 8,500 मिला है और 500 मुझे वो इजी पैसा कर रहे हैं। तो आज जो मेरी राइड थी वो 8,500 की थी, और अभी तक गाड़ी मेरी जो चली है 222 किलोमीटर चली है। अभी पेट्रोल डलवाते हैं, देखते हैं पेट्रोल हमारा कितने का डलता है। अच्छा, तो पेट्रोल डला है 3,300 का, 12 लीटर .31। अच्छा, तो उन्होंने मुझे अमाउंट दिया है, वो दिए 8,500, और इसमें से हम माइनस करेंगे 3,300 का पेट्रोल, और इसमें से हम माइनस करेंगे 500 गाड़ी की मेंटेनेंस। तो हमारा आज का जो प्रॉफिट हुआ है 4,700। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आज का दिन अच्छा रहा। तला भाई और हमार भाई दोनों खुश हैं, पूछते हैं तला भाई से वजह। तला भाई क्या हुआ है? यार खुश क्यों ना हूँ मैं, ये सब इन मेरे भाइयों के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका कमाल है कि आज मेरे 3,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमार भाई आपका क्या कहना है इस बारे में? देखें भाई, आपकी मेहनत रंग लेके आ रही है। हाँ, ये बस मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आगे भी कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। बस आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए, और आपका भाई देखें आपको सब्सक्राइबर चेक कराते हैं। ये आप सब्सक्राइबर चेक कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया, आपने अपने भाई को जो चैनल को सब्सक्राइब किया, तो इसी वजह से आज हम करने जा रहे हैं सेलिब्रेशन। रुक जा, एक मिनट रुक जा यार, उसमें बनाई शिट।
लैपटॉप भी काम नहीं कर रहे, इन्होंने लैपटॉप एक सब्सक्राइबर और बढ़ गया सब्सक्राइबर बढ़ गए, लैपटॉप बढ़ गए, बढ़ गए भाई, ये बढ़ गए, वो बढ़ना जो कहते हैं ना प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया भाई, प्रोग्राम ये बढ़ा है, ये बढ़ा है भाई, लैपटॉप काम ही नहीं कर रहा यार, मेरा लैपटॉप 1.5 लाख गया। चले गाइस, आज तला भाई अब लैपटॉप की सफाई करते हुए प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम अच्छा। तो गाइस हमारी सेलिब्रेशन भी हो गई है, तो आपने देख लिया है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा दिन भी अच्छा रहा, वो भी डिटेल आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो मेरे एक भाई बोल रहे थे तला भाई शेर लास्ट में सुनाया करें, तो उनके लिए अर्ज़ किया है कि हमारे म्यार को समझने के लिए, हमारे म्यार को समझने के लिए समझने वाले का भी म्यार होना चाहिए। वाह वाह वाह। तो ओके गाइस, आज के लोग करते हैं यहाँ पे एंड, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लोग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।